लास्ट वीडियो में आप देखा कि एक फाइवर के उत्ते अकाउंट किदा क्रिएट करीदा आ अपने गिग नू किस तरह सैटअप करीदा ते डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी दिया। सो अज आप देखांगे कि उस गिग दी इमेज नू किस तरह बनाया जांदा आ। सो अज दी वीडियो इसे टॉपिक ते आ स्टार्ट कर दिया। देखो तुसी पहला अपने गूगल ब्राउज़र दे विच एड्रेस बार दे विच सर्च करना है गिग इमेज साइज, ठीक है, फॉर फाइवर। तो थानू पता लग जाएगा कि गिग इमेज मतलब गिग दी साइज़ की हुंदा है इमेज का। तो इतों आप चेक कर सकते हैं 550 पिक्सल बाय 370 पिक्सल, ये जो साइज़ है इस साइज़ का अपना गिग जिहड़ा आपां बनाउणा आ। सो आपां किहड़ी वैबसाइट दे विच बना सकते हैं, देखो canva.com दे विच आपां बहुत ही आसानी नाल गिग जिहड़ा क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच इहदा लिंक दे दांगी, तुसीं उत्थों जिहड़ा आ इहदे विच कर लेना आ। देखो ये देखो वैबसाइट जी ओपन हो चुकी है। सब तो पहला थानू ये लॉगिन होना पैना है, मतलब अपन फेसबुक या गूगल के ना या फिर एप्पल की आई डी के थानू ये लॉगिन होना पैना है। सो मैं इतने गूगल की आई डी के लॉगिन हो जाती हाँ। सो मैं इतों अपना जो गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अगर तुम्हारा ओपन नहीं है तो सब तो पहला अपना गूगल अकाउंट ओपन कर लो, उस तो बाद लिंक कर दो। सब तो पहला आप जिहड़ा साइट पर लिखा हुआ क्रिएट ए डिज़ाइन, आप क्रिएट ए डिज़ाइन के उत्ते जो क्लिक करांगे तो अपने को बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं जिहड़े कि ऑलरेडी आपां नूं साइज़ उन्हां दे सैट किए हुए मिल जाते हैं। बट अपने को जिहड़ा साइज़ आ वह आपां सैट करके बनाउणा आ, क्योंकि आपां नूं 550 बाय 370 साइज़ चाहिए। सो आप कस्टम डायमेंशन के उत्ते क्लिक करांगे। सो इस जिहड़ा प्लस का साइन है ये उत्ते जो आप क्लिक किया तो अपने को बॉक्स आ जाएगा कि वह साइज़ पुछेगा कि कितना साइज़ आ। सो ये आप जिहड़ा आसानी ना अपना साइज़ जो भी आपां वो लिख सकते हैं। सो अपने गिग का साइज़ 550 बाय 370, देखो साइड के उत्ते पिक्सल ही चूज़ होया होना चाहिए, इस गल का ध्यान रखना। सो उस तो बाद आप क्रिएट ए कस्टम डिज़ाइन के उत्ते क्लिक करना, देखो अपना जिहड़ी विंडो आ वो ओपन हो रही है। सो देखो लास्ट के उत्ते बैकग्राउंड लिखा होया है, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड का कलर कोई आप चूज़ कर लें उस पर क्लिक करके। जो इतने आप क्लिक किया तो अपने को बहुत सारे कलर्स जिहड़े आ अवेलेबल हो गया आ। सो इन्हां विचों कोई भी कलर चूज़ कर लो, जिस तरह मैं इहदे विचों ए वाला एक कलर चूज़ कर लैनी आ। कलर चूज़ कर सकते हो तुसी अपनी मर्जी ना, कोई भी किसी भी तरह का डिज़ाइन तुसी क्रिएट कर सकते हो। ये मैं सिर्फ एक थानू एग्जाम्पल के तौर पर दस रही हूँ कि किस तरह तुसी अपना गिग जिहड़ा आ आसानी ना इस वैबसाइट विच क्रिएट कर सकते हो। देखो ये कलर जिहड़ा मेरा सिलेक्ट हो चुका, तुसी सिर्फ कलर के उत्ते क्लिक करना, इधरली थोड़ी विंडो के उत्ते अपने आप जिहड़ा आ वो कलर ड्रॉ हो जाएगा। सो उस तो बाद देखो हुण आपां नूं कोई फोटो चाहिए आ, तां फोटो के उत्ते क्लिक करके मैं जदों क्लिक किया तां उस तो बाद एक सर्च बॉक्स मिलिया। सो सर्च बॉक्स के विच तुसी अपनी इमेज सर्च कर सकते हो जिस तरह की भी इमेज थानूं चाहिए आ। सो मैं इहदे विच MS वर्ड लिख के सर्च करदी हाँ। देखो जरूरी नहीं कि थोड़ा गिग वर्ड और एक्सल देते होवे, थोड़ा गिग किसी भी टॉपिक के उत्ते तुसी उस टॉपिक नाल रिलेटेड जिहड़ी इमेज इत्थे सर्च कर सकते हो। सो मैनू इत्थे MS वर्ड नाल रिलेटेड कोई भी पिक्चर शो नहीं हो रही है। सो मैं इत्थे टैक्सट लिख के देख लैंदी हाँ। टैक्सट नाल रिलेटेड भी मैनू जो मैनू इमेज जिदा दी मैनू चाहिए वो मैनू उस तरह की नहीं मिल रही। अगर थानू भी इस तरह कोई इमेज जिहड़ी आ थानू परफेक्ट नहीं लग रही अपने गिग दे लई, दैन थोड़े कोल एक होर आइडिया भी है कि तुसी उसनू सर्च कर सकते हो। सपोज़ आप एक बार होर ट्राई कर लैंदे, इतों मैं वैबसाइट चूज़ कर लैंदी हाँ। वैबसाइट दे विच वैसे तो मेरा काम जिहड़ा वर्ड और एक्सल दे उत्ते आ। सपोज़ ये वैबसाइट पर मैं PC और लैपटॉप देख के मैं आइडिया आया कि ये मैं कोई इमेज इधर इस तरह की लगा सकती हाँ। सो अगर थोड़े को इस तरह इमेज कोई सिलेक्ट हो जाती बट तुसी नहीं लगाना चाहते तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो इमेज नू। सो इतों आप पहला कोई इमेज जी वो मैं PC वगैरह की लगा लैनी हाँ जिससे कोई वर्क कर रहा हो। थोड़ी पिक इन्नी चूजी होनी चाहिए आ कि थोड़े क्लाइंट नू देखते हुए समझ आ जाए कि तुसी इहदे उत्ते काम कर सकते हो, थोड़ा गिग जिहड़ा वो वधिया आ, थोड़े गिग नू देख के ही उन्हां नू थोड़े काम बारे थोड़ा आइडिया हो जाता। सो इस करके थोड़ा गिग बहुत ही वधिया होना चाहिए है। अपने गिग उत्ते बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करो, उस तो बाद ही अपने गिग नू क्रिएट करो। सपोज़ मैं इहदे विचों ये वाली पिक्चर चूज़ कर लैंदी हाँ।
देखो ये साइड के उत्ते जो वाइट कलर के कॉर्नरस बने हुए हैं इन्हों मूव करके किसी भी साइड तो कर सकते हो। देखो इतने क्रॉप की ऑप्शन भी आ जाती है, सो इसी तरह तुम इसको क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप करने तो बाद उपर डन की ऑप्शन ना डन कर दो, अगर तुम नहीं इनू क्रॉप करना चाहते दैन कैंसल के उत्ते क्लिक कर दो। फिलहाल मैं इन्नी पिक्चर चाहिए, मैं डन कर लिया है। मैं पिक्चर थोड़ा सैट कर लैनी हाँ। देखो पिक्चर नू चक के तुसी किसे भी साइड मूव कर सकते हो, ये कॉर्नरस तो भी ते ये सेंटर्स दे विच क्लिक करके तुसी इमेज नू किसे भी साइड जिहड़ा आ मूव कर सकते हो। देखो जिस तरह मैं इसनों हुण सेंटर दे विच थोड़ा रख लिया है। हुण देखो मैनू एक वर्ड और एक्सल दी इमेज भी चाहिए आ, सो मैं इत्थे सर्च करूँगी गूगल दे विच जाके मैं सर्च किया वर्ड। हाँ देखो ये जी इमेज है थोड़ी ये कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए है, सो इस करके तुसी पहला सब तो पहला टूल्स दे उत्ते क्लिक करना है। देखो थोड़ी इमेजेस ओपन हुई होनी चाहिए, उस तो बाद टूल्स ते क्लिक करना है। दैन उस तो बाद यूज़ फॉर राइट दे उत्ते क्लिक करके लेबल फॉर रीयूज़, मतलब कि जिन्हां नूं आपां रीयूज़ कर सकते हैं उही इमेजेस आपां नूं शो होण। सो इत्थे जिहड़ियां कॉपीराइट फ्री इमेजेस जिहड़ियां आ शो हो गई हैं, सो इन्हां विच्चों तुसी कोई भी इमेज जिहड़ी अपने गिग दे लई यूज़ कर सकते हो। जिहड़ी भी इमेज तुहानूं पसंद आ रही है तुसी वो चूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुसी उस तरह की ही इमेज लैनी है जिस तरह का वर्ड हुंदा, तुसी कोई भी इमेज जिहड़ी इहदे विच्चों चूज़ कर सकते हो। सपोज मैं इहदे विच्चों आ फस्ट इमेज ही चूज़ कर लैनी हाँ। इसनों तुसी सेव कर लेना, राइट क्लिक करके तुसी इसनों सेव कर सकते हो। इसनों मैं डिस्कटॉप दे उते वर्ड नाम दे नाल सेव कर लिया है। उस तो बाद मैं दोबारा गई अपने उसी वैबसाइट दे लिंक दे विच। हुण देखो इहदे विच मैं अपनी इमेज जिहड़ी आ उह कंप्यूटर दे विच आ, तो उस कंप्यूटर के विचों इमेज लगानी है, सो मैं इतने अपलोड के उत्ते क्लिक करूँगी। अपलोड से क्लिक करन तो बाद देखो उपर एक जिहड़ी आ ब्लू कलर की पट्टी आ उहदे उत्ते लिखा हुआ है अपलोड एन इमेज और वीडियो। देखो इत्ते क्लिक करन तो बाद उस तो बाद डिवाइस सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरी जिहड़ी इमेज आ वो डिवाइस के विच आ, ना कि फेसबुक के विच जां फिर गूगल ड्राइव जां इंस्टाग्राम के विच नहीं हैगी। मैं ड्राइव दे डिवाइस के विच सेव की आ, सो डिवाइस ओपन करके उस दे विच तुसी मैं इमेज जिहड़ी अपनी डिस्कटॉप से सेव की सी, सो मैं डिस्कटॉप सब तो पहले सिलेक्ट कर लैनी हाँ। सो इत्थे देखो मेरी इमेज यह है, इसनों मैं ओपन कर लैनी हाँ। देखो ये इमेज मेरी इधर आ चुकी, तुसी सिंपल इस इमेज के उत्ते क्लिक करना है, दैन ये इमेज जिहड़ी है इधर चले जाएगी। सो इस इमेज नूं भी तुसी पकड़ के इसनों जिस तरह मर्जी सैट कर सकते हो। देखो ये जिहड़ी रैड लाइन आ रही है ये आपां नूं दसदी आ कि तुसी सेंटर विच हो, राइट विच हो, जां कि पोजिशन के उत्ते हो। और रैड जिहड़ी लाइन सेंटर विच आ रही है तां उहदा मतलब आ कि आपां सेंटर दे विच आ। सो एक इमेज मैं एक्सल दी भी जिहड़ी इसे तरह अपलोड दे विच जाके ऐड कर लैनी हाँ। सो इत्थों मैं जिहड़ी एक्सल दी इमेज एक सेव कर लैनी हाँ। इसी तरह मेरे को इहदी इमेज भी आ चुकी है एक्सल दी, सो मैं इत्ते क्लिक करके इस इमेज नूं भी ले लिया। सो इसनों भी तुसी ड्रैग कर सकते हो माउस तो पकड़ के इसनों सेंटर दे विच किते भी। देखो उपर पोजिशन लिखा हुआ, पोजिशन तो भी तुसी इहनूं लैफ्ट राइट सेंटर बॉटम टॉप कर सकते हो, जिदा मैं इहनूं राइट किया। हुण इस तरह मैं जिहड़ा अपने को वर्ड दी इमेज आ उसनों भी मैं इसनों मैं बॉटम कर लैंदी हां ना, बॉटम कर लैंदे आ आपां इसनूं सेंटर दी बजाए, जिस तरह का भी तुसी करना चाहुंदे हो कर सकते हो। इत्थों सपोज मैं बॉटम कर लिया, उस तो बाद इसनों भी मैं बॉटम कर लैनी एक्सल दी इमेज नूं भी। देखो ये दोनों इमेज जिहड़ियां छोटियां वड्डियां आ तां इन्हां इमेज नूं भी सैट करना जरूरी आ। सो सब तो पहला मैं उपर वाली इमेज नूं थोड़ा सैट कर लैनी हाँ, जिहड़ा उपर कॉर्नर दे विच ये इमेज कर लैनी, क्योंकि आपां कुछ लिखना भी आ, सो उसनूं लिखण दे लई भी स्पेस चाहिए आ। सो मैं इस इमेज नूं थोड़ा शॉर्ट कर लैनी हाँ। इस इमेज नूं देखो मैं इस तरह सैट कर लिया है अपने गिग दे विच। हुण मैं इस इमेज नूं थोड़ा जिहड़ा आ इस दे बराबर कर दिंदी हाँ वर्ड दे। देखो ये दे बराबर हो गई है, बस इहनूं खिच के उपर नूं मूव कर देना है, जे डाउन करना दैन नीचे नूं कर देना है। हुण देखो टैक्सट दे उत्ते क्लिक किया, साइड बार दे उत्ते टैक्सट बनया होया टी बनी हुई है, उहदे विचों मैं सिलैक्ट किया ग्लो वाला जिहड़ा है मैं सिलैक्ट कर लिया जिहड़ा ऑलरेडी बनया होया आ। सो इहदे विच मैं लिखिया 20 पेजिस
वर्ड और एक्सेल। मैं सिंपल लिखा है ताकि क्लाइंट नू ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होवे, तां उनू जिहड़ा मेरे गिग दी इमेज तो ही पता लग जाए कि मैं $5 दे विच जिहड़ा आ 20 पेजेस दा काम वर्ड और एक्सेल दा करदी हाँ। सो इस तरह इहदा आपां कलर वगैरह भी चेंज कर सकते, इनू मूव भी कर सकते हैं। सो पहला मैं इहदी पोजिशन सैट कर लैंदी हाँ मिडल। देखो ये मिडल दे विच चले गया आ, मिडल तो थोड़ा मैं उपर चाहिए है, सो इस करके इन मैं मूव कर लैनी हूँ। देखो नीचे एक एरो बन रहा, इस एरो मूव करना है किसी भी साइड नू। देखो इस एरो नू ही पकड़ के तुसी नीचे करोगे तो यह नीचे आ जाएगा, उपर करोगे तो उपर चले जाएगा। सो इस तरह जिहड़ा इस नू मैं सैट कर लिया है। सो इस तरह तुसी इसका कलर भी चूज कर सकते हो, इहदे विच बहुत सारे कलर्स आ जिहड़े तुसी इहदे विचों चूज कर सकते हो। सपोज मैनू यह कलर थोड़ा सही लग रहा है, सो मैं यही वाला कलर ले लैंदी हाँ। सो देखो वर्ड और एक्सल की जिहड़ी इमेज का साइज़ है थोड़ा बड़ा लग रहा, सो मैं इन्हें थोड़ा छोटा कर लैंदी हाँ इसी तरह कर्सर की मदद के नाल ही। सिर्फ देखो रेड लाइन के नाल मैं पता लगी जा रहा है कि यह राइट पोजिशन दे विच नहीं। इस तरह इसनों भी थोड़ा नीचे मैं मूव कर लैंदी हाँ, थोड़ा सेंटर दे विच चले गया है। सो इस तरह आप जो अपना गिग जिहड़ा आ वो क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह का, जिस तरह का भी थानू थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है। जिन्ना वधिया थोड़ा गिग होगा उन्ना ही वधिया थानू काम मिलेगा जल्दी तो जल्दी। सो इस तरह डाउनलोड बटन के उत्ते क्लिक करके तुसी इसनू किसी भी फॉर्मेट के सेव कर सकते हो। सपोज मैं PNG दे विच स्पेस इनू सेव कर लैंदी हाँ, इस पर क्लिक करके उस तो बाद डाउनलोड के उत्ते क्लिक करना, तो इनू डाउनलोड होने थोड़ा जहा टाइम लगेगा। इस विंडो नूं तुसी क्लोज कर सकते हो। अगर तुसी क्लोज करना चाहते तो इसनों क्लोज कर सकते हो। और मैनू इमेज शो सेव करन दी ऑप्शन आ गई आ, सो मैं इहदा नाम डिस्कटॉप दे उत्ते इहनूं सेव करके गिग दा नाम दे दिंदी हाँ। सो इहनूं सेव कर दिंदी हाँ। सो इस तरह तुसी कोई भी अपनी जिहड़ी आ गिग इमेज जिहड़ी आ फ्री दे विच इस वैबसाइट दे उत्ते क्रिएट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में आप देख लिया कि गिग इमेज नू किस तरह आप सैट करीदा अपने फाइवर के अकाउंट के। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस वीडियो का लिंक दे दांगी, तुसी जरूर चैकआउट कर लेना। सो इस गिग इमेज बनन तो बाद सैट करन तो बाद आपां वेट करनी हुंदी आ, क्योंकि क्लाइंट ने अपने नाल कनैक्ट करना हुंदा जदों भी उन्होंने अपना गिग शो होया जा फिर जदों भी उन्होंने अपना गिग पसंद आया। सो इस करके हुण इस तो बाद तुसी वेट करनी है और अपने फाइवर अकाउंट में चैकआउट करते रहना है। मैं आस करांगी कि तुहानू सारयां नू जल्दी ही फाइवर के उत्ते काम मिल जाए। सो इसे अज की वीडियो मिलते हैं आप अगली वीडियो के। सो चैनल सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन के आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू।